ढूंढते नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्तों के घर जाऊंगी। मुझे भी अपने साथ ले चलो प्लीज। हर बार की तरह इस बार भी टूनी चिड़िया अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया से उसके दोस्त के घर जाने के लिए इसरार करती है। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि जब मैं कहीं जाऊं तो मुझे पीछे से आवाज मत दिया करो, मत आया करो मेरे सामने। मुझे तुम्हारा शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं तुम्हें अपने दोस्तों के घर क्यों लेके जाऊं? मुझे मजाक बनाना है अपना क्या? क्या कहेंगी वो लोग तुम्हें देखकर कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ और तुम इतनी काली? क्या हुआ तुम्हें टुनटुनी बेटा, कोई मसला है क्या? क्या मसला होगा पापा, मेरा मसला तो यही है जो हर वक्त मेरे सामने आ जाती है और मेरे साथ जाने की भी जिद करती है ये। मैं तो तंग आ गई हूँ इससे बिल्कुल। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम टुनटुनी के सामने मत आया करो? तुम्हारी काली रंगत का साया मेरी इस प्यारी सी बेटी पे पड़ गया तो ये भी तुम्हारी तरह हो जाएगी। लेकिन तुम्हें बात समझ नहीं आती है। अब जाओ यहाँ से, खड़ी मुँह क्या देख रही हो मेरा? ओके पापा, मैं जा रही हूँ। पापा पापा, मुझे बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है, मुझे ला दे प्लीज। बिरयानी खाने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है, क्यों ना मैं भी पापा से बोल दूँ। टूनी चिड़िया अपने पापा के पास आती है बिरयानी का कहने के लिए। पापा, टुनटुनी के लिए बिरयानी लाएंगे तो मेरे लिए भी ला दीजिएगा, मेरा भी काफी दिनों से मन कर रहा था बिरयानी खाने का। तुम जाओ जाके किचन में सूखी रोटी पड़ी है वो जाके खाओ, जैसे मुंह है तुम्हारा वैसे ही खाना खाना चाहिए तुम्हें। हर वक्त बस मेरी प्यारी सी बेटी के हसद में लगी रहती हो, उसे बिरयानी चाहिए तुम्हें भी बिरयानी चाहिए। चलो जाओ यहाँ से, ये लो बेटा तुम्हारे पसंद की बिरयानी और साथ में ब्रोस्ट भी लाया हूँ जहाँ से तुम्हें पसंद है, ले लो और खा लो। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, यू आर द ग्रेट पापा। टोनी ये सब खिड़की से देखती है, उसे बहुत दुख होता है। अरे टोनी, तुम देखो बाबा ने बिरयानी के साथ साथ ब्रोस भी लाया मेरे लिए, क्या ही टेस्टी ब्रोस्ट है ये। टुनटुनी जानबूझकर अपनी बहन के सामने ब्रोस्ट मजे ले लेकर खाती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? कुछ कह दिया क्या तुम्हारे पापा ने या टुनटुनी ने? मेरी रंगत काली है तो उससे मेरा क्या कसूर? मैं पापा पे तो गई हूँ, लेकिन इसके बावजूद पापा मुझ में और टुनटुनी में भेदभाव करते हैं, मुझसे पापा बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं क्या करूँ, मैं कैसे उनके दिल में अपने लिए जगह बनाऊँ? मैं उनकी अपनी बेटी हूँ, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते? ऐसा लगता है जैसे मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। माँ, मेरा इसमें क्या कसूर अगर मेरी रंगत काली है तो? मैं इतना तो समझाती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा समझते ही नहीं है। तुम फिक्र मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर तुम उनकी अपनी बेटी हो, कभी ना कभी तो उनके दिल में तुम्हारे लिए प्यार जरूर जगेगा, मुझे यकीन है इस बात का। वैसे भी तुम्हारे पापा तुमसे प्यार करे ना करे, मैं तो अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती हूँ ना, तो फिर तुम क्यों दिल छोटा करती हो बेटा? तुम्हारी माँ है ना तुमसे प्यार करने के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। अब रोना बंद कर दो बेटा, मेरे लिए तुम और टुनटुनी दोनों ही बराबर हो। मैं तुम लोगों की आंखों में आंसू नहीं दे सकती, बस चुप हो जाओ, जाओ शाबाश, मुंह धोकर आओ, जाओ शाबाश। टोनी और टुनटुनी चिड़िया की माँ इन लोगों में भेदभाव नहीं करती थी, भेदभाव सिर्फ और सिर्फ उसका बाप किया करता था। एक दफ़ा कालू कौवा रक्षे में घर का सामान लाने जा रहा होता है कि अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो ज़मीन में गिर जाता है, उसे बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं। टूनी चिड़िया दिन रात अपने बाप की खिदमत में लगी रहती है। पापा, ये गरम गरम दूध पी लें, इससे आपको आराम आएगा, और साथ में ये सूप भी पी लें, इससे आपको ताकत मिलेगी। जबकि दूसरी तरफ टुनटुनी को अपने पापा की कोई फिक्र नहीं थी, वो हर वक्त अपने दोस्तों के साथ मोबाइल में लगी रहती थी। मुझे माफ कर दो बेटा,
मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम में और टुनटुने में हमेशा भेदभाव किया बेटा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटा। आखिर कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है। कोई बात नहीं पापा, मैंने आपको दिल से माफ़ किया। आप मेरे पापा हैं, आप मुझे दोबारा मिल गए, मैं बहुत खुश हूँ पापा। दूसरी तरफ टुनटुनी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहन को प्यार से गले लगा लेती है।